इंडिया वुमेन्स टीम तीन में से तीन मैच जीती है और अब पहुंच गई है सेमीफाइनल में, जहां पे वो खेलने वाली है बांग्लादेश के सामने। तो इसके बारे में बात करते हैं इस वीडियो में, साथ ही बनाई गई फैंटेसी टीम, तो बने रहो वीडियो के एंड तक। चलो शुरू करते हैं अब इस वीडियो को। सबसे पहले तो बात करते हैं टीम इंडिया की ये जो परफॉर्मेंसेज हुए तीनों मैचेस में उसके बारे में, एक जल्दी से शॉर्ट रिव्यू करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। सबसे पहले मैच हुआ था पाकिस्तान के सामने, जहां पे 7 विकेट से टीम इंडिया जीती थी, जिसमें बहुत ही कमाल का कंट्रीब्यूशन रहा था सभी इंडियन बॉलर्स की तरफ से। बहुत कलेक्टिव टीम परफॉर्मेंस था, स्टैंडर्ड परफॉर्मर थी दीप्ति शर्मा, और बैटिंग में जब टीम इंडिया चेस करने आई तो बल्क ऑफ द रन्स ओपनर्स ने बनाया और स्कोर को चेस कर दिया। सेकंड मैच था यूएई के सामने, मैच शुरू होने के पहले एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज आई थी, वो थी श्रेयांका पाटिल रूल आउट हो गई थी इंजरी के चलते, और उसकी जगह पे तनुजा कानवर को एज इंजरी रिप्लेसमेंट दिया गया था। तनुजा कानवर ने अपना डेब्यू किया इस मैच में और यूएई के सामने 78 रन्स के बड़े मार्जिन से टीम इंडिया जीती। शफाली वर्मा ने बहुत ही अच्छी स्टार्ट दी, लेकिन लगातार विकेट गिरे थे पावर प्ले में, लेकिन उसके बाद हरमनप्रीत कौर, ऋचा घोष, इन दोनों ने पारी को संभाला, एक अच्छा टोटल तक लेकर गए। 201 लगाया बोर्ड के ऊपर 5 विकेट के नुकसान पे। हरमनप्रीत कौर ने 66 बनाए 47 बॉल्स में, ऋचा घोष 64 29 बॉल्स में, दोनों ही पारियां कमाल की थी। जब टीम इंडिया डिफेंड करने आई तो एक बार फिर सभी के सभी इंडियन बॉलर्स की तरफ से हमको परफॉर्मेंसेस देखने को मिले। उसके बाद आखिरी मैच था नेपाल के सामने, जहां पे हरमनप्रीत कौर को रेस्ट दिया गया। स्मृति मंधाना कैप्टन थी और स्मृति मंधाना ने अपने बैटिंग से भी रेस्ट लिया था, क्योंकि जब ये बैटिंग करने आए तो वो ओपन करने नहीं आई, और विकेट भी जब गिर रहे थे तब भी वो बैटिंग करने नहीं आई, बाकियों को मौका दिया। दयालन हेमालता के रन नहीं बन रहे थे तो उसके भी इस मैच में रन बने, 47 उसने बनाए 42 बॉल्स में। स्लो नॉक थी नेपाल जैसे वीक टीम के सामने भी, लेकिन शफाली वर्मा 81 की पारी 48 बॉल्स में, उसका हाई स्कोर बना है T20 इंटरनेशनल में। और शफाली वर्मा के ये कमाल के स्कोर की वजह से 178/3 पे फिनिश किया टीम इंडिया ने, और एक बार फिर सभी के सभी बॉलर्स ने कंट्रीब्यूट किया बॉलिंग में, और एक बार फिर से भाई दीप्ति शर्मा थी स्टैंडर्ड परफॉर्मर। तो ये रहा कुछ सिलसिला टीम इंडिया का लीग स्टेज में तीनों टीम्स के सामने, जहां पे शफाली वर्मा ने लगातार 2 मैच में रन बनाए और दीप्ति शर्मा ने हर मैच में विकेट निकाले। वैसे देखा जाए तो सभी के सभी बॉलर्स की तरफ से हमको अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंसेस देखने को मिली है। अब टीम इंडिया सेमीफाइनल खेलने वाली है बांग्लादेश के सामने, और हेड टू हेड की बात अगर करें तो टीम इंडिया 11 मैच जीते हैं, वहीं पे बांग्लादेश 2 जीती है, और दोनों के दोनों 2018 के एशिया कप में जीती थी बांग्लादेश। अब बात करते हैं दोनों टीम्स के प्लेइंग 11 के बारे में। सबसे पहले टीम इंडिया के प्लेइंग 11 के बारे में बात करते हैं। मेरे हिसाब से स्मृति मंधाना, शफाली वर्मा ओपन करेंगे, दयालन हेमालता फिर एक बार 3 नंबर पे दिखेगी, 4 पे होगी हरमनप्रीत कौर कैप्टन, 5 पे होगी जेमी मरॉडरिक, 6 पे होगी ऋचा घोष विकेट कीपर, फिर पूजा वस्त्रागर, दीप्ति शर्मा, और उसके बाद राधा यादव, तनुजा कानवर और रेणुका सिंह ठाकुर। बांग्लादेश के प्लेइंग 11 की बात करें तो मेरे को लग रहा है लास्ट मैच में जो प्लेइंग 11 खिलाए थे वही उनकी प्लेइंग 11 खेलेगी, लेकिन एक चेंज हो सकता है, वो है एम अख्तर को एक टीम में ला सकते हैं जहानारा आलम की जगह पे, लेकिन शायद से जहानारा आलम को एक और मौका मिले, एक्सपीरियंस प्लेयर है, अच्छी पेस बॉलर है, और एम अख्तर को अभी हाल फिलहाल में विकेट नहीं मिल रहे तो बोल नहीं सकते क्या होगा। टीम इंडिया के लिए कंसर्न की जो बात है वो है दयालन हेमालता की फॉर्म, रन आए पिछले मैच में लेकिन उतनी तेजी से नहीं आए जितने वो एक्सपेक्ट खुद से कर रही होगी, और जेमी मरॉडरिक्स के होते हुए नंबर 3 के ऊपर दयालन हेमालता को खिलाने के फेवर में मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन बहुत अच्छी बैटर है, एग्रेसिव बैटर है स्पिन के सामने, तो होप करते हैं कि बांग्लादेश स्पिनर्स के सामने ये अच्छा परफॉर्म करे। एक बात मैं बोलना भूल गया वो ये है कि टीम इंडिया बांग्लादेश को लाइटली नहीं ले सकती, वीक टीम है, लेकिन ये जो स्पिनर है वो बहुत ही अच्छे है, एक्सपीरियंस है, और टीम इंडिया अगर टॉस जीते तो बैटिंग फर्स्ट ही करे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब बात करते हैं प्रेडिक्शंस की, तो मेरे हिसाब से टॉप स्कोरर होगी स्मृति मंधाना और टॉप विकेट टेकर होगी दीप्ति शर्मा टीम इंडिया के लिए। मैच प्रेडिक्शन की बात करें तो टीम इंडिया इस मैच को जीतकर फाइनल में अपनी जगह बनाएगी, और सेकंड सेमीफाइनल श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच में, वहां पे मेरे को लग रहा है श्रीलंका वहां पे जीतेगी और फिर टीम इंडिया को ज्वाइन करेगी फाइनल में। वैसे आपके क्या प्रेडिक्शन है टॉप स्कोरर विकेट टेकर, मैच प्रेडिक्शन दोनों सेमीफाइनल के लिए कमेंट करके जरूर बताना। वैसे फाइनल खेला जाने वाला है 28 जुलाई को, तो सेमीफाइनल खत्म होने के बाद भी मैं लाइव आने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, फाइनल का भी वीडियो आएगा, साथ ही इंडिया वर्सेस श्रीलंका जो मेंस टीम है उसका भी वीडियो जल्द ही जल्द आने वाला है चैनल के ऊपर। अब बात करते हैं इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के फैंटेसी टीम के बारे में, तो मेरी फैंटेसी टीम इस मैच के लिए कुछ इस तरह से होगी। निगर सुल्ताना होगी मेरे विकेट कीपर, बैटर्स होंगे मेरे स्मृति मंधाना, शफाली वर्मा और हरमनप्रीत कौर, ऑलराउंडर्स होंगे दीप्ति शर्मा, पूजा वस्त्रागर, बॉलर्स होंगे राधा यादव, तनुजा कानवर, रेणुका सिंह ठाकुर, नाहिदा अख्तर और राबिया खान। कैप्टन रखूंगा मैं दीप्ति शर्मा को, वाइस कैप्टन रखूंगा मैं स्मृति मंधाना को, आप चाहो तो शफाली वर्मा को भी कर सकते हो या फिर पूजा वस्त्रागर भी बहुत बढ़िया ऑप्शन है। आपके कैप्टन वाइस कैप्टन कौन होंगे कमेंट करके जरूर बताना है। इस टीम में अगर मैं कुछ चेंजेस करने वाला
रहूंगा तो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लो। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा, अपना दिल खोल कर सपोर्ट कर देना चैनल को और स्पेशली टीम इंडिया को जो 8वीं बार शायद से एशिया कप अपने नाम कर सकती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, साथ ही कमेंट सेक्शन आपका ही है तो वहां पे भर भर के कमेंट कर दो। आप लोग कमेंट करते नहीं हो तो यार ऐसा सुना सुना लगता है कमेंट सेक्शन, तो प्लीज कमेंट कर दिया करो। एक समझ में आता है कि कौन कौन वीडियो देख रहा है, क्योंकि वहां पे सब्सक्राइबर का परसेंटेज जो है वो हाई रहता है, लेकिन मेरे को समझ नहीं आता कौन सा सब्सक्राइबर देख रहा है, तो प्लीज एक कमेंट तो लीव कर दिया करो। मिलता हूं वो अगली वीडियो या लाइव स्ट्रीम में, तब तक के लिए बाय बाय।